होगी, बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, वहां पे डार्क रिएक्शन जैसी प्रोसेस होती थी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे डार्क रिएक्शन जैसे कुछ खास प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगा, एनर्जी सोर्स तो वही है, लेकिन वो किसी दूसरे मोड के थ्रू हो रहा है। मीन्स दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट शो लिटिल बिट सिमिलैरिटी विद हाई कैटेगरी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि यहां से फोटोसिंथेसिस के बारे में एक आउटलाइन मिले थे, कुछ इसी तरीके का हायर कैटेगरी में भी देखने को मिलता होगा, बट इन वेल डेवलप्ड स्टेट, ऑब्वियसली इन वेल डेवलप्ड स्टेट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आता है कि आप कह सकते हो कि सर इन हायर कैटेगरी प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लास्टिड्स मिलते थे, ब्लास्टिड्स में क्लोरोफिल हुआ करता था, बट प्रोकैरियोट्स के केस में तो ब्लास्टिड्स जैसा कुछ होता नहीं है, देन व्हाट? तो फिर ये सोलर एनर्जी को ट्रैक कैसे करते हैं, क्योंकि भाई जो क्लोरोफिल होता है उसी का तो ये मेन काम है कि सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करेगा। उनके पास क्लोरोफिल के जैसा उतना वेल्डेवलप्ड क्लोरोफिल जैसा कुछ ऑर्गेन नहीं मिलता ऑर्गेनल्स, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ पे ऐसा मिलेगा, कुछ स्पेशल टाइप के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मिलेगा, सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, जिसको कि अपन बैक्टीरियो क्लोरोफिल का अपन नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये फंक्शन वाइज क्लोरोफिल की तरह काम करता है, स्ट्रक्चर वाइज वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब अपन इसमें थोड़ा सा डीप में चलते हैं। सो द फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फर्स्ट में आपको मिलेगा एग्जाम्पल किसमें ये प्रोसेस फॉलो होती है। सो द प्रोसेस फॉलोड बाय ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो द प्रोसेस इज फॉलोड बाय ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, दे यूज सनलाइट एज द एनर्जी सोर्स, ऑब्वियसली नाम से कंफर्म है, फोटो है। ठीक है, दे यूज सनलाइट एज देयर एनर्जी सोर्स, और यू कैन से प्राइमरी एनर्जी सोर्स। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर डज नॉट अकर्स, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है बेटा। इस फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा तो ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो मिल रहा है नो O2 इवॉल्व, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बैक्टीरिया ऑब्टेन रिड्यूसिंग पावर। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया जब ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन भी नहीं मिल पा रहे हैं। वाटर का स्प्लिटिंग होता था तो हाइड्रोजन आयन मिलता था और ऑक्सीजन मिलती थी, स्प्लिटिंग हुई ही नहीं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई, हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जो इसमें रिडक्शन की प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ग्लूकोज को उसको प्रोड्यूस करना है। मे बी हायर कैटेगरी फोटोसिंथेसिस की जैसा ना हो, बट होगी तो ऑब्वियसली फॉलो तो होगी ना। तो ये रिड्यूसिंग पावर के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए, और वो इनको कहां से मिलेगा भाई? हाइड्रोजन आयन सोर्स इनका क्या है? यहाँ पे एक बड़ी मजेदार स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया ऑब्टेन रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से तो हमेशा मिलता था, कौन सा हाइड्रोजन? फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये मजेदार है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑब्टेन रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड और सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व हियर द हाइड्रोजन और द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आर सम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वहां पे वाटर की स्प्रेडिंग के लिए वो डिपेंड होते थे, यहाँ पे स्प्रेडिंग नहीं हो रही ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उस कमी को पूरी करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड और बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहा है हाइड्रोजन आयन के लिए, उसके बेसिस पे भी इसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सो जस्ट लुक हियर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनर द फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, द फर्स्ट वन इज फोटोलिथोट्रॉप्स एंड द सेकंड वन इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉप।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। फोटोलिथोट्रॉप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। ऑर्गेनोट्रॉप के बारे में पहले हम बात कर लें, ये कैसे होंगे बेटा, ये नॉन सल्फर कंपाउंड को यूटिलाइज करेंगे। पहला तो ब्रेन में रखो, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप की अपन बात कर रहे हैं, ये नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करेंगे एज अ हाइड्रोनर सोर्स, एज अ हाइड्रोजन सोर्स, ठीक है। नॉन सल्फर कंपाउंड को ये यूटिलाइज करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं नॉन सल्फर कंपाउंड, नॉन सल्फर कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फर कंपाउंड यूटिलाइज किए जाएंगे, सल्फर कंपाउंड, ठीक है, सल्फर कंपाउंड यहाँ पे होंगे और यहाँ पे नॉन सल्फर कंपाउंड यूटिलाइज होंगे। वेल फोटोलिथोट्रॉप्स में अपन ने कहा ना अभी ये सल्फर कंपाउंड को ये लेंगे, तो देखो डेफिनेटली ये जो होंगे ना ये पिगमेंटेड होंगे, ये कैसे होंगे, ये पिगमेंटेड होंगे। वेल देखते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया है सबसे फर्स्ट में अपने पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन से नाम से कन्फर्म है, यहाँ का पिगमेंट कैसा होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट ये शो करेंगे वो। वेल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज हाइड्रोजन डोनर, और यहाँ का जो क्लोरोफिल है, इनमें मिलने वाला जो क्लोरोफिल है, ये बड़ा इसका नाम आपको याद रखना है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड क्लोरोपियम, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह का क्लोरोफिल मिलता है उस तरह के क्लोरोफिल को अपन ने नाम क्या दिया है बेटा, क्लोरोपियम क्लोरोफिल, क्या नाम दिया है, क्लोरोपियम क्लोरोफिल। और इसी के कारण इस तरह की ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की जो एक कैटेगरी है उसको अपन ने क्लोरोबियम का ही नाम दे दिया, ठीक। ये रिएक्शन सामने आपके रखी हुई है, दैट इज नॉट मच डील, ठीक है। 6CO2+12H2O मिला ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल दे फॉर्म 6H2O6 ग्लूकोज 6H2O एंड 12S, ठीक है। ये रिएक्शन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए, बिल्कुल। द सेकंड वन इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, चलिए अपन जरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के पास चलते हैं, नाम से कंफर्म है द पिगमेंट आर पर्पल इन कलर। वेल सल्फर कंपाउंड एज अ हाइड्रोजन डोनर, ऑब्वियसली पता है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सल्फर, सल्फर कंपाउंड यहाँ भी हाइड्रोजन डोनर की तरह ही काम करेंगे। एंड देयर क्लोरोफिल, देयर क्लोरोफिल इज also known as, their chlorophyll is also known as bacterial chlorophyll, known as bacterial chlorophyll, ठीक है, bacterial chlorophyll, इनके chlorophyll को अपन नाम दे देते हैं bacterial chlorophyll। अगेन रिएक्शन की प्रोसेस की बात करेंगे, then 6CO2 5H2O 3 सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे मिलेगा आपको Na2S2O3 लाइट एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने फॉर्म किया C6H12O6 देन 6H2O एंड देन सोडियम बाइसल्फेट 6NaHSO4, ठीक है। वेल आपको बेसिकली क्या याद रखना है, यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में किस तरह का क्लोरोफिल मिलता है बेटा, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में किस तरह का मिलता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। देन इसके बाद अपन चलते हैं बेटा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स की तरफ। सो द फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म, दे यूज नॉन सल्फर, दे यूज नॉन सल्फर कंपाउंड, क्या यूज करते हैं, ये नॉन सल्फर कंपाउंड यूज करते हैं एज देयर, कैसे यूज करेंगे, एज देयर ऑर्गेनिक, एज देयर देयर हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर के लिए वो नॉन सल्फर कंपाउंड का यूज करेंगे, और क्या क्या, ऑर्गेनिक एसिड के लिए भी, फिर से करते हैं, दे यूज नॉन सल्फर कंपाउंड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कोहल एज हाइड्रोजन डोनर। बड़ा ही क्लियर कट होता है, ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में ये नॉन सल्फर कंपाउंड को यूज कर रहे हैं और एल्कोहल को ये यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन डोनर के लिए। एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया लाइक रोडोस्पिरिलिया, ठीक है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया लाइक रोडोस्पिरिलिया। वेल ये आपको छोटी सी रिएक्शन मिल जाएगी, इसे 6CO2 12CH3CHO CH3 6H2O6 6H2O 6 12CH3CO CH3 6H2O,
ठीक है, याद रखने वाला बेसिक मुद्दा क्या है आपके लिए कि नॉन सल्फर कंपाउंड को ऑर्गेनिक एसिड की तरह यूज करते हैं एंड अल्कोहल को ये यूज करेंगे हाइड्रोजन डोनर की तरह, ठीक है। ओके, पर्पल नॉन सल्फर, इनके नाम पे ही क्लियर है नॉन सल्फर है, मतलब ये सल्फर वाले कंपाउंड को यूज नहीं करेंगे। सेकंड बेटा अपने पास है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सनलाइट का रोल तो खत्म हो गया, ठीक है। सो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ O2 टू ऑब्टेन ATP। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे O2 का कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे यूज टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑब्टेन ATP, उसका यूज क्यों कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज हो क्यों रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, याद रखना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज करने के लिए, जिसके कारण से ATP का लिबरेशन होगा, उसका जनरेशन होगा, ठीक है। डू नॉट हैव पिगमेंट्स, इनके पास किसी भी तरीके का जैसा यहाँ पे ग्रीन और पर्पल पिगमेंट मिलता था वैसा पिगमेंट कुछ यहाँ पे देखने को अपने को नहीं मिलेगा। दे कैन नॉट यूज लाइट, किसी तरीके का अब इनके पास पिगमेंट नहीं है तो ये सनलाइट का या सोलर लाइट का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ATP यूज, अब जो ATP जनरेट हुई है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन के कारण, दैट इज यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया और वहां से जो एनर्जी आई थी उसको ऑर्गेनिक मैटर्स को फॉर्म करने के लिए CO2 के रिडक्शन प्रोसेस में उसको क्या किया, उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। देन आफ्टर डू नॉट नीड एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फूड, इनको किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत नहीं होती है फूड सोर्स के तौर पे, तो कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये CO2 को ये रिड्यूस कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो जब ये CO2 को ऑर्गेनिक मैटर में ये रिड्यूस कर सकते हैं ATP की हेल्प से, तो इनको अलग से किसी और तरीके की ऑर्गेनिक कंपाउंड की नीड नहीं होती। देन अगेन की वो ऑटोट्रॉप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कीमो लिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। लेट्स सी अबाउट द कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगेन प्रोसेस तो होगी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की, तो क्या होगी वहां पे एनर्जी यूटिलाइज होगी ना। दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड यूटिलाइज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनने क्या किया ऑक्सीडाइज किया ऑर्गेनोट्रॉप से, ठीक है, नाम से ही कंफर्म है ऑर्गेनोट्रॉप, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये क्या करेंगे ये यूटिलाइज करेंगे, तो उसको रिड्यूस करेंगे या उसको ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे मैथनोजन बैक्टीरिया कीमो ऑर्गेनोट्रॉप की कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन है CH4 मतलब मेथेन हो गया, CH4 को इनमें क्या किया ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने के बाद इनको CO2, H2O और एनर्जी मिल गई, लिबरेटेड हो गया, ठीक है। सेम अबाउट द कीमो लिथोट्रॉप, ये अपने को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, जैसे द फर्स्ट वन इज सल्फर बैक्टीरिया, कौन सा मिल जाएगा बेटा सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स वहां पे अपन ने करके रखे थे, कौन से थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस, कौन सा थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस, एग्जाम्पल किसका सल्फर बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, ये सल्फर को कन्वर्ट करेगा किसमें सल्फेट, नाम से कन्फर्म है ना। देखो ये जो बैक्टीरिया है इनके एजेंट के आधार पे इनका नाम हो गया है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन, ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन एनर्जी का जनरेशन होगा और वो एनर्जी ये यूटिलाइज करेगा, ठीक है। सेकंड वन इज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डेफिनेटली ये अमोनिया को ये किसमें कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, और उस ड्यूरेशन पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको वो यूज करेंगे बाकी की मशीनरी में। द थर्ड वन इज आयरन बैक्टीरिया, डेफिनेटली ये फेरस कंपाउंड को यूटिलाइज करेगा फेरिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन लिबरेटेड होगी और यहाँ पे एनर्जी लिबरेटेड होगी और वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी बाकी की मशीनरी में। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया,
यहाँ पे हाइड्रोजन यूटिलाइज किए जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज होता है वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन यूटिलाइज होता है वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अगेन बाकी की एनर्जी की प्रोसेस, एनर्जी जो जनरेटेड होगी वो उस प्रोसेस में भी यूज करेंगे। इस होल सोल प्रोसेस में देखो एक सबसे कॉमन पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है हर जगह, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, एंड द सेम है। यहाँ पे आप एक की पॉइंट रख सकते हो, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है। एंड दैट्स व्हाई बेटा डेफिनेटली अगर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड है देन व्हाट, ये किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है याद करो, याद आया एरोबिक। यस बेटा एरोबिक, बिल्कुल सही जा रहे थे आप। अगर उसको ऑक्सीजन की नीड हो रही है अपने केमिकल रिएक्शन के लिए या अपनी एडीपी जनरेशन के लिए, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज कर रहा है, इट मींस दैट द बैक्टीरिया आर एक्चुअली एरोबिक इन देयर नेचर। ठीक है, बैक्टीरिया आर एक्चुअली एरोबिक इन देयर नेचर। एंड द सेम इफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, डू नॉट लिबरेट एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती ही नहीं है वहां पे, देन द बैक्टीरिया इज कैटेगराइज्ड एज एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे होगा वो एनारोबिक बैक्टीरिया। तो पीछे जब अपन बैक्टीरिया की प्रेगुलरिटी पढ़ रहे थे तो अपन ने बताया था ना कि कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक कंडीशन में होते हैं और ये वाटर सोर्स के बॉटम में मिलते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिल्कुल बेटा, ये ऐसे बैक्टीरिया है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो वाटर बॉडी के या अपने हैबिटेट जहां पे मिलेंगे, हैबिटेट सोर्स की बिल्कुल बॉटम पे मिलेंगे जहां पे की ऑक्सीजन की लगभग प्रेजेंस खत्म होती है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। ये बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखे जाएंगे और ये कीमो वाले बैक्टीरिया रखे जाएंगे एरोबिक वाली कैटेगरी में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगले पार्ट में अपन रेस्पिरेशन के साथ ही मिलने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, अपन अभी उसको फिनिश कर लेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने ही है, फोटो वाटर मतलब की फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इन एरोबिक नेचर एंड सॉरी आर इन एनारोबिक नेचर एंड द कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर एक्चुअली एरोबिक इन नेचर। ठीक है, वेल अभी एक बार फिर से अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद अपन चलेंगे रेस्पिरेशन की मोड पे। रेस्पिरेशन वाला मोड बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में अपने को क्या मिला था बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक को फर्दर डिवाइड किया था फोटो लिथोट्रॉपिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक में। अपने ये जो फोटो लिथोट्रॉपिक थे ये दरअसल पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे जिनको कि अपन ने ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया था। मजे की बात ये थी, ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक वाली कैटेगरी थी यहाँ पे लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट तो किया जाता था बट यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होता और इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया जाता है, दैट इज सल्फर रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन के प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन इज मच नीडेड। कीमो ऑटोट्रॉपिक के पास बेटा अपन गए थे, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपने को कीमो लिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स देखने को मिले थे। ये जो कीमो लिथोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस फॉलो कराई जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट को ये यूटिलाइज करते थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये यूज करते थे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए। देखते हैं भैया, सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फेरस को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया, एंड द सेम हाइड्रोजन से वाटर बनाने वाले बैक्टीरिया ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया। दूसरा अपन ने बेटा देखा था कीमो और ऑर्गेनोट्रॉप्स को ये क्या करते थे, ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते थे। मेन मुद्दा क्या है, ऑक्सीडाइज करना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे और उसके बाद इनको एनर्जी ऑब्टेन की प्रोसेस देखने को अपने को मिलती। सेम
फिर आप लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बेटा, जिसमें अपने को मिले थे पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म थे जो कि अपने होस्ट पे डिपेंड होते थे और फूड ऑप्टेट प्रोसेस के ड्यूरेशन पे अपने होस्ट को कुछ ना कुछ डिजीज प्रोवाइड कराते थे। वो डिजीज इतना हार्मफुल भी हो सकती थी, इवन समटाइम्स क्रॉनिक हो सकती थी, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती थी। वेल, सैप्रोबायोटिक केस में अपन ने क्या देखा था, ऑर्गेनिज्म डेड और डिके सब्सटेंस पे डिपेंड हुआ करता था और देन आफ्टर वो अपना फूड मटेरियल वहां से ऑप्टेन किया करता था बाय यूजिंग ऑफ और बाय रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोलाइटिक नेचर एंजाइम। सिंबायोटिक में अपन ने क्या देखा था बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, दो म्यूचुअल ऑर्गेनिज्म आपस में म्यूचुअली रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते थे और एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरे करते थे, जिसके वजह से कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो फूड ऑप्टेन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया और द न्यूट्रिशन ऑफ द मैक्सिमम मोनेरियंस। ठीक है, मैक्सिमम मोनेरियंस में अपने को यही प्रोसेस देखने को मिलेगी। नाउ अब अपन स्टार्ट करेंगे या अपन थोड़ा सा एक आउटलाइन ले लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, जनरली मोड ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह के फॉलो कराए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो दो तरीके के मोड होंगे यहाँ पे, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों ही में ही कंडीशन में दो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एरोबिक की बात करें तो वहां पे अपने को ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स, कौन कौन से, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स भी देखने को मिलेंगे। और ऑब्लिगेट बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में अपना नेचर स्विच नहीं करते, अपना रेस्पिरेटरी नेचर स्विच नहीं करते। और व्हाट इज मींस ऑफ दैट, द फैकल्टेटिव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन स्विच कर देते। ठीक है, तो मिलेंगे क्या, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ये फैकल्टेटिव एरोब्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में एनारोबिक मोड के हैं, लेकिन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन ये एरोब मोड में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड द सेम एनारोबिक न्यूट्रिशन में अपन देखेंगे तो अपने को बेटा मिलेगा ऑब्लिगेट एनारोब्स जो कि हमेशा एनारोबिक की कंडीशन में ही सर्वाइव करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स जो कि एक्चुअल में एरोबिक कंडीशन वाले होंगे और ये स्विच करके कन्वर्ट हो जाएंगे एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे की सारी बातें अपन अगले पार्ट में करेंगे जिसमें अपन देखेंगे बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। एंड देन फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अपन अभी आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल अपन लेने वाले हैं साइनो बैक्टीरिया के जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में अपन मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ और आर्की बैक्टीरिया कंडीशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, कुछ इश्यू है या कुछ डाउट पॉइंट्स हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।